फर्स्टली पेशेंट हम न्यू पेशेंट आईडी पे जाएंगे, ठीक है, क्रिएट न्यू पेशेंट करेंगे। जैसे क्रिएट न्यू पेशेंट करेंगे डेट टाइमिंग एग्जैक्ट आ जाएगा, पेशेंट का यहाँ डाटा फिलअप कर लेंगे जो भी हो, फिर यहाँ से हम सेव कर देंगे। अब हमें करना क्या है, ऑप्स करना है कि एब्डोमेन करना है। फर्स्टली फिर यहाँ प्रोब है, प्रोब पे जाएंगे, प्रोब से सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ ऑप्स के, यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंटी फिटर है, एब्डोमेन पे जाएंगे, एब्डोमेन पे जाएंगे, एब्डोमेन रीनल बॉबल, अगर एब्डोमेन करना है एब्डोमेन पे सेट करेंगे। फिर आप सर स्कैन करेंगे, स्कैन करेंगे आप, फ्रीज करने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस मेजर है जिसमें वैल्यू मेजर आ रहा है, और एक है लेंथ और वो सबसिबिलिटी वाल, अगर करना होगा तो यहाँ पर क्लिक करने पर जी बी वाल जो भी हो यहाँ से आप मेजर करेंगे, तो लेंथ आ जाएगा, ये करेंगे तो एल बी एस करेंगे तो वैल्यूम आ जाएगा इसमें। अगर आपको जैसे गूगल करना हो तो लेफ्ट राइट आप यहाँ से वो कर लेंगे, ठीक। हारमोनिक ऐसा में डिफरेंस क्या होता है, हारमोनिक में क्या होता है, सिंगल फ्रिक्वेंसी पेनिट्रेट करती है, ऐसा करती है, उससे क्या होता है रिजोल्यूशन काफ़ी बेटर होता है। डुअल लाइट में क्या होता है, डुअल लाइट में आप जाएंगे तो एक साइड कभी कभी क्या होता है कलर फ्लो आता है, ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा तो कलर फ्लो होता है, कुछ चीज़ें कलर फ्लो में नहीं दिख पाती तो ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियरिटी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आप क्लियरिटी हो जाती है क्या चीज़ें हैं दिक्कत, टू डी साइड ब्लैक कर लेंगे, लेफ्ट राइट है ये होता है, उस साइड करना होगा तो इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा और बैक कर देंगे आप, फिर उसी टाइप होगा अप एंड डाउन हो जाएगा, फिर बैक कर देंगे। नोबोलॉजी वो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, क्योंकि डेली रूटीन पेशेंट के लिए जनरल वो करते हैं, क्योंकि फैटी पेशेंट आप आ गए तो पेंटेशन यूज कर लेते हैं टोटली, वो फ्रेम एवरेज, और ये फ्रेम एवरेज क्योंकि लीवर हुआ, कार्डियक हुआ, कार्डियक के लिए स्पेसिफिक यूज होता है, जल्दी जल्दी हुआ होता है तो चीज़ें नहीं क्लियरिटी हो पाती, तो फ्रेम एवरेज तो ज़्यादा रख के उसको हम सेटिंग करते हैं। जब फोकस नंबर हुआ, फोकस नंबर एक या दो रखते हैं कि जहाँ फोकस नंबर उसके ठीक सामने वो चीज़ें हम क्लियरिटी चाहिए, तो हम इसको इसे कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे क्लियरिटी कर सकते हैं। ग्रे मैथ क्या होता है, कलर से थोड़ा बहुत होता है क्लियरिटी और क्लियर हो जाता है, जैसे आप ग्रे मैथ में करते हैं थोड़ा सा चमक आ जाएगा, अगर ज़्यादा वो करना होगा जैसे 7-8 times बज गए तो ये वो आ जाएगा। डी आर क्या होता है, डायनेमिक रेंज होता है, इसमें क्या होता है स्मूथनेस इससे आता है, क्योंकि चीज़ें स्मूथ नहीं होती हैं तो डायनेमिक रेंज कम कर देते हैं 1-10 के करीब, और गेन को हम बढ़ा देते हैं 52-53 के पास लेते हैं। रिजेक्शन लेवल क्या होता है, कभी नॉइज ज़्यादा आ जाता है तो रिजेक्शन लेवल को हल्का सा हम लोग वो बढ़ा देते हैं। क्लियर विजन ज़्यादातर यूज होता है ऑप्स के केस में, स्मूथनेस के लिए या क्लियर विजन का मैक्सिमम 5 होता है, 5 रखते हैं जब ऑप्स का केस करते हैं, वैसे एब्डोमेन में 3 रखते हैं। इमेज साइज का तो वो इमेज का कितना 90 ज़्यादातर एवरेज रहता है, वो डिपेंड करता है अपने अकॉर्डिंग, क्रोमा में कलर का होता है बस, लाइन डेंसिटी मीडियम ही रखते हैं। हाँ आप कलर चेंज करेंगे वो चीज़ें हो जाएंगे जी। और ये सब नोबोलॉजी है, यूवन यूपी जो ऑप्शनल की होता है, कभी कभी सीने प्ले बनाना है, जब स्टोरेज करना है या प्रिंट आउट करना है अगर क्वाड हो या फाई के लिए, तो ये सब चीज़ें एज ए कस्टमर के अकॉर्डिंग वो सेट कर देते हैं। और इस पे जो फिर कलर बॉक्स लेना हो कलर बॉक्स ले लेंगे, अब इसको छोटा बड़ा करना हो तो ROI बॉक्स दबाएंगे, और फिर ऐसे कर्सर को ऐसे आपको जैसे फिर उसी को सेट कर देंगे, और फिर इसी को ऐसे सेट कर देंगे, आपको जिधर लेके जाना है लेके जा सकते हैं। नहीं हाँ ये पल्स वेव हो गया, पल्स वेव हो गया, ये एम मोड हो गया, साइलेंट होता है, इसमें साउंड नहीं होता है, ठीक है, ऐसे आपको सिर्फ ऐसे हो जाएगा हल्का ऐसे हार्ट रेट जैसा, वो करेंगे सेट कर देंगे तो ये ग्राफ सेट कर देंगे, तो ये ग्राफ आपका एम मोड में साइलेंट मोशन मोड होता है, उसमें साउंड नहीं होता, पावर डबल होगा, इसका पावर डबल है, इसमें साउंड साउंड के साथ साउंड भी आएगा, जैसे आप देख सकते हैं उसको दिखाएंगे। इसको आप इसको कलर में अगर करना चाहेंगे तो कलर में भी हो जाएगा, हम देख सकते हैं आवाज भी आ कलर में साउंड के साथ, कलर भी ग्राफ हो जाएगा और एक ग्राफ आप मेजर कर सकते हैं, अब फिर आप हर चीज मेजर से कर लेंगे, मेजर करने के बाद रिपोर्ट फाइनली आप यहाँ पेश करेंगे, तो रिपोर्ट पेज है कम्प्लीटली ये आ जाएगा।